हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। तो आज की क्लास में कंप्लीट टॉपिक ऑफ बजट लाइन हम लोग कवर करेंगे, पर ध्यान से देखना है, इजी टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे सब बजट लाइन पे डिपेंडेड होंगे। तो अगर आप बजट लाइन को नहीं समझ पाए तो आने वाले टॉपिक्स भी आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थ्योरी पढ़ें, टेबल पढ़ें, उससे पहले हम खुद इसको बना के समझते हैं क्या है। यहां पर मैं ले रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एप्पल्स एंड बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एप्पल्स एंड बनाना। ठीक है बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एप्पल्स एंड बनानास। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर हमारे पास में ये एप्पल्स ले लेते हैं और इसका अपना एक प्राइस ले लेते हैं, बजट लाइन है। अभी समझेंगे बजट लाइन क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। एक एप्पल 4 रुपीज का है, ठीक है, बनाना 2 रुपीज़ का है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंडिचर, क्लियर है। बेसिकली बजट क्या होता है, बजट किसी भी कंज्यूमर की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कई बार कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरे बजट में नहीं है, मतलब मेरी कैपेसिटी से बाहर है, ये चीज़ मेरे बजट में, मेरी कैपेसिटी के अंडर में है। क्लियर है बच्चे, तो बजट बेसिकली आप लोग, ये जनरल वर्ड है, फैमिली इसको यूज़ करती हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है। कैसे ज़रा समझते हैं, लाइक एक हाउस होल्ड है और उसकी इनकम आप अज्यूम कर लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल से बस समझा रहा हूँ। किसी की इनकम 20 रुपये नहीं होती है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, बट समझाने के लिए कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है, क्योंकि समझाना यहाँ पर पर्पज़ है, ना कि कोई एग्जांपल यहाँ पर मेरा पर्पज़ है। तो 20 रुपये अगर आपकी इनकम है और यहाँ पर अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एप्पल एंड बनाना में, अगर मैं ए कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, लाइक एप्पल तो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बनाना बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर पी कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ, तो अगर आपने एप्पल 0 लिया ही नहीं एप्पल, और सारा पैसा अगर आप बनाना पर खर्च कर देते हो, तो कितने बनाना ला पाओगे आप? 2 रुपये का बनाना है 20 रुपये, तो आप 10 बनाना आएगा, तो पैसे कितने खर्च हुए आपके? 0 एप्पल, तो 0 रुपये एप्पल पे, 10 बनाना और ईच बनाना पे 2 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ बनाना पे, टोटल कितना हुआ आपका? आपका टोटल 20 रुपीज़ एक्सपेंस हो गया। चलो अगर आप कॉम्बिनेशन कोई और सेलेक्ट करते हो, आप जहाँ पर अगर आप एक एप्पल ले लेते हो, तो 4 रुपये अब आपका एप्पल पे चला गया, तो अब आपके 4 रुपये कम हो जाएंगे कहाँ पे? बनाना पे। तो 16 रुपये अगर आप खर्च करते हो तो कितना जाएगा आपका? 8 रुपये, 8 बनाना ले पाओगे। तो यहाँ पर 1 4 रुपये के हिसाब से और यहाँ पर 8 2 के हिसाब से, तो टोटल कितने पैसे खर्च हो गए आपके? आपके 20 रुपये टोटल खर्च हुए। समझ में आया बच्चे आपको? इसी तरीके से अगर आप आर कॉम्बिनेशन लेते हो, जहाँ पर आप एप्पल 2 लेते हो, तो आपका 8 रुपये एप्पल पे एक्सपेंस हो जाएगा, तो 20 में से बचा 8 खर्च होने का, 12 रुपये, तो 12 रुपये में कितने ला पाओगे? 6। तो खर्च दिखा रहे 2 और 1 4 का था, और इसी तरीके से 6 और 1 यहाँ पे 2 का था, तो टोटल खर्च कितना हो गया आपका? 20 रुपीज़। ठीक है, एंड एस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 3 ले लेते हो, तो 12 और 8 में कितने आएंगे? 4। तो 3 एप्पल जो कि 1 4 का था, तो 12 रुपये यहाँ खर्च हो गए, 4 बनाना जो कि 1 2 का था, 8 रुपये यहाँ खर्च हुए, टोटल खर्चा आपका 20 रुपये हुआ है। अगर आप टी लेते हो, 4 यहाँ पे, तो 16 यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 4 रुपये आपके पास में, इसमें आप 2 ले पाओगे, तो यहाँ पे 4 × 4 16 रुपये, और 2 और ईच 2 का था, तो टोटल आपका पैसा खर्चा हुआ 20 रुपये। इसी तरीके से यू, अगर आप 5 ले लेते हैं तो पूरा पैसा खर्च हो जाता है, यहाँ पे आपके हाथ में क्या लगता है? 0। तो 5 × 4 और प्लस आपके पास में 2 रुपीज़ का एक था, और 0 क्वांटिटी लेते हो आप, तो आपके पास में कितना पड़ जाता है? 20 रुपये। क्लियर है बच्चे? ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो।
क्या आप जीरो एप्पल एंड 10 बनाना अफोर्ड कर सकते हो अपनी गिवन इनकम में? कर सकते हो अफोर्ड? हाँ, आपकी इनकम 20 रुपये, खर्चा भी यहाँ 20 रुपये हो रहा है, तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। क्या आप कॉम्बिनेशन क्यू को अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें कि आपका एक एप्पल एंड 8 बनानाज है? हाँ बिल्कुल, आप इसको भी अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि ये आपके बजट में है। क्या आप कॉम्बिनेशन आर अफोर्ड कर सकते हो? एस टी यू, ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जिसको एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। क्लियर है? तो ये उसकी सीमा है, बजट लाइन, आपके बजट की एक लाइन, ठीक है ना, ये होता है ना लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से बजट लाइन का मतलब क्या हुआ, आपके बजट की लाइन है, आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके क्रॉस करोगे तो आपको आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे उसको। तो मैं बताता हूँ बजट लाइन क्या होता है। बेसिकली एक डायग्राम बनाते हैं, मैं नंबर प्लॉट करके बना रहा हूँ, बिना नंबर प्लॉट किए बना सकते हैं। ये आपका बच्चे ओरिजन है, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। इस पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ एक एप्पल की, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ बनाना की। एप्पल के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, बनाना 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। पॉइंट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट सबसे पहले क्या है, 0 एप्पल एंड 10 बनाना, तो एप्पल की क्वांटिटी कितनी, 0 एंड बनाना 10, दिस वन। क्या है बच्चे, 0 एप्पल एंड 10 बनाना, जिसकी जो कि 20 रुपये का आपका कॉम्बिनेशन पी है। क्या नाम है इसका, कॉम्बिनेशन पी, इसको आप अफोर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉम्बिनेशन क्यू में एक एप्पल और 8 बनाना, एक के ऊपर 8, दिस वन। क्यू में 1 एप्पल प्लस 8 बनाना, एंड कॉम्बिनेशन आर में 2 पे 6 है, 2 पे 6, आर कॉम्बिनेशन 2 एप्पल एंड 6 बनाना, आप इन सबको अफोर्ड कर सकते हो ना। एंड 3 पे 4 है, थ्री एप्पल एंड 4 बनाना, एंड आपके पास से 4 पे 2, 4 एप्पल एंड 2 बनाना, एंड लास्ट वन 5, 5 एप्पल एंड 0 बनाना। इन सारे कॉम्बिनेशन को आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इन लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को मैं कनेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। यही जो लाइन है ना, ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है और ये बजट लाइन है। क्यों, ये बता रहा है कि एक कंज्यूमर मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकता है, जिसमें कि उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाए। इसके बाहर अगर आप कोई भी और पॉइंट ले लेते हो, अगर आप चलो ये लेते हो, आप कहते हो सर हम तो भाई ये पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो भैया आपके पास में कितने एप्पल हैं, 3 एप्पल हैं, तो 12 रुपये खर्च हो गए, 4 रुपये एक है तो 12 रुपये, बनाना कितने हुए 6, तो 12 रुपये, 24 रुपये खर्च हो रहे हैं। क्या 24 रुपये हैं आपके पास में, तो बजट लाइन से बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बजट लाइन के कॉम्बिनेशन को आप अफोर्ड कर सकते हो, बजट लाइन के अंडर किसी भी कॉम्बिनेशन को भी आप अफोर्ड कर सकते हो। इसके अंदर अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन की बात करूँ, ये चलो एम है और ये एन है, क्या एन को अफोर्ड कर सकते हो आप? हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एप्पल कितना, एक तो 4 रुपये गया और यहाँ पे 8 रुपये गया, तो 12 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, तो आपके बजट के अंदर आ रहा है। तो बजट लाइन बताता है कि उसके अंडर आप रह सकते हो, उसके ऊपर रह सकते हो, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। एक चीज़ में आप और ऑब्जर्व करो, देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब एक एप्पल गेन करा तो देख रहा हूँ मैं कितने बनाना मैंने सेक्रीफाइस करा, ठीक है बच्चे? एक एप्पल गेन करा तो कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? दो। फिर एक एप्पल गेन करा तो कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? दो। फिर एक एप्पल गेन करा कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? दो। फिर एक एप्पल गेन करा तो कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? और फिर एक एप्पल गेन करा तो कितना बनाना सेक्रीफाइस करा? तो क्या समझ में आ रहा है? हर बार सेक्रीफाइसिंग में सेम अमाउंट ऑफ एप्पल सॉरी बनाना कर रहा हूँ। क्या पहले ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, पहले से कम कर रहा हूँ, या पहले जितना ही कर रहा हूँ? इसे कहते हैं कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस करना। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पे मैं किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? इसको मैं कॉन्स्टेंट रेट से सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? और आपको पता, अगर एक कम्युनिटी को अगर आप बढ़ाओगे, आपकी इनकम लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली दूसरे का क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए दोनों में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। इसलिए डायग्राम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बना। क्लियर है बच्चे? अब मुझे क्या बताओ, एक एप्पल को पाने के लिए कितने बनाना छोड़ने पड़ रहे हैं आपको? एक एप्पल को गेन करने के लिए कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं? अगर आप एक एप्पल मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको एक क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब क्या हुआ? एक को अगर आप गेन करना चाहते हो तो दूसरे का कितना सेक्रीफाइस करते हो, जो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? दो। और कितना पा रहे हो? एक। कई बार होता है तीन तीन भी कर रहे हो एक को पाने के लिए। तो हर अपना मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें दो आ रहा, तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? टू। स्लोप का मतलब होता है ढलान कैसा है, मतलब एक में चेंज करोगे दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा, उसको स्लोप कहते हो। देख भी रहे हो, एक बढ़ा रहे तो दूसरा दो से गिर रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसको हम कैसे निकाल सकते हो आप? स्लोप बजट लाइन कैसे निकाल सकते हो? प्राइस ऑफ एक कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दूसरी कॉमोडिटी, ठीक है ना? प्राइस ऊपर किसका आएगा? जिसको आप गेन कर रहे हो। और नीचे प्राइस किसका आएगा? जिसको आप लूज कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इसका प्राइस क्या था? चार रुपये। इसका प्राइस क्या है? दो रुपये। तो आपका स्लोप कितना निकल के आया? दो। तो जो इनके प्राइस का रेशियो होता है ना बच्चे, जो इनके प्राइस का रेशियो होता है, वही इनके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, वही बताता है कि एक को पाने के लिए कितना छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर एक की कीमत 6 रुपये और दूसरे की कीमत 30 रुपये, तो रेशियो क्या है प्राइस का? 1:5। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर आप एक को पाओगे, दूसरे को फिर 5 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर 30 रुपये वाले को पाओगे तो दूसरे को सेक्रीफाइस कितना करना पड़ेगा? 5 उसके बदले में उसको आपको त्यागना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं हम? स्लोप ऑफ बजट लाइन। कहानी समझ में आई? देखो पढ़ते हैं क्या है बजट लाइन। बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको मैंने दिखाया है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये है, ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेस्ड विद अ गिवन इनकम, जिसको खरीदा जा सकता है अपनी इन। बजट लाइन की बात कर रहा हूँ, बजट लाइन के अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर द बजट लाइन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ द बजट लाइन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डिस्कस क्या कर रहा हूँ? लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो लाइन क्या कहता है? कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज, जिसको खरीदा जा सकता है विद गिवन इनकम एंड प्राइस, उसके प्राइस पर अपने इनकम में खरीदा जा सकता है। सच दैट द कॉस्ट ऑफ द ईच दिस कॉम्बिनेशन, जो बजट लाइन पे जो कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट आ रहा है ना, वो इक्वल्स टू मनी इनकम, वो आपके मनी इनकम को इक्वल नहीं आ रहा था? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लाइक जो ये कॉस्ट आ रहा है, हर कॉम्बिनेशन का कॉस्ट आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है? क्या कंज्यूमर की इनकम क्या कंसिडर की थी मैंने? इसको मनी इनकम कहते हैं, जो पैसा आप कमाते हो 20 रुपये। तो ईच कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है आपके मनी इनकम के इक्वल है ना, ऑफ अ कंज्यूमर। ऑल्टरनेटिवली एक अलग डेफिनेशन है, बजट सेट। बजट सेट इज द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेस इन द मार्केट। जैसे कि एक सेट में एक एप्पल, 0 एप्पल एंड 10 बनाना, इसे बजट सेट कहते हैं। दूसरे में एक एप्पल और आपका 8 बनाना,
उसको बजट सेट कहते हैं। ठीक है बच्चे।